स्कूल का हम चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है कंप्यूटर फंडामेंटल। आप लोगों ने पीछे के क्लास में कंप्यूटर के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में पीछे के क्लास में पढ़ाई था, तो आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब जो पीछे आपने जो कुछ पढ़ा उससे थोड़ा सा रिलेटेड पहले रिवाइज करेंगे और फिर उसके आगे पढ़ेंगे। तो आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में मालूम ही है, तो कंप्यूटर क्या है? आपको पीछे के क्लास में कुछ बताया गया था कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसको वंडरफुल मशीन आपको बताया गया था, जूनियर क्लास में वंडरफुल मशीन बताया जाता है और अब क्लास टू में उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन बताया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन किससे चलता है? ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, यानी बिजली से चलता है और क्या करता है? वर्क वेरी फास्ट, बहुत जल्दी काम करता है। तो इसका यूज क्या है ये आपको पीछे के क्लास में भी बताया गया था, उसी चीज को हम रिवाइज कर रहे हैं। इसका बहुत सारा काम होता है, जैसे स्टोरिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं, वॉच मूवीज देख सकते हैं, प्ले गेम्स, उसके बाद सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, हम किसी को मैसेज भी भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं मैसेजेस, ड्रॉ पिक्चर्स, पेंटिंग भी बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा लॉट ऑफ वर्क, यानी इसके अलावा भी बहुत सारे काम इससे किए जा सकते हैं। अब हम आते हैं ह्यूमन बींग एंड कंप्यूटर। अभी हम लोग जो है ह्यूमन बींग मतलब आदमी लोग और कंप्यूटर में टैली करेंगे कि क्या अंतर होता है एक आदमी और एक कंप्यूटर में। ठीक है, तो बहुत सारे अंतर होते हैं, जैसे ह्यूमन वंडरफुल। अब यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूमन मेड वंडरफुल मशीन, ह्यूमन ने एक बहुत अच्छा मशीन बनाया, अद्भुत मशीन बनाया, जिसमें एक साथ बहुत सारे काम होते हैं, जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, कैन नॉट, लेकिन ह्यूमन जो है वो अपने से काम करता है। मान लीजिए आपको खाना खाना है तो आप खुद जाके खाना ले लेते हो या मम्मी से मांग लेते हो। ठीक है, उसको किसी सोचना नहीं पड़ता है कि हमको कोई बोलेगा तब हम खाएंगे। ठीक है, उस ह्यूमन जो है ये इस कंप्यूटर को वंडरफुल मशीन को बनाया है इंसानों ने। और क्या है, कैन नॉट वर्क देयर ओन, कंप्यूटर जो है अपना काम खुद नहीं करता है, वो क्या अपडेट करता है? राइट कमांड, उसको कोई कमांड करे सही तरीके से, ऑर्डर दे, राइट कमांड, ठीक है, तब वो काम करता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं करेंगे, बटन नहीं ऑन करेंगे तो क्या वो स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, लेकिन आपको कोई स्विच थोड़ी ना देना पड़ता है कि आप ये काम कीजिए। आपको मान लो खेलने का मन है तो आप खेलने चले जाते हो, थोड़ा सा मम्मी से पूछ लेते हो, लेकिन क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी या कुछ ऐसा बटन ऑन करना पड़ता है? आप वेट करते हो कि कोई मेरा पुश करे और हम स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो वेट करता है कि कोई हमको राइट कमांड दे। ये ह्यूमन बींग से बहुत ही डिफरेंट होता है, ह्यूमन बींग और कंप्यूटर दोनों डिफरेंट, वो मशीन है और हम लोग मशीन नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है और ये लिविंग थिंग है। ठीक है, तो अब हम आते हैं दोनों में टैली करते हैं किस तरीके से। ह्यूमन टायर्ड आफ्टर वर्किंग लॉन्ग आवर्स, इंसान जो होता है वो बहुत देर तक अगर लगातार काम करता है तो थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है, वो कई घंटों तक लगातार काम कर सकता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन फॉरगेट थिंग, इंसानों की आदत होती है कि बहुत सारी चीजें उनको याद रहती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है तो वो भूल जाते हैं, फॉरगेट थिंग्स। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर मशीन है और वो बहुत सारी चीजों को भूलता नहीं है, वो स्टोर करके अपने अंदर स्टोर करते जाता है, इकट्ठा करते जाता है और वो जब आप उसको आपको उसकी जरूरत होती है तो आप खोल के उस चीज को आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा इंसानों में नहीं, आप भूल जाते हैं और आप याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चीज याद जल्दी नहीं आती है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है, वो भूलता नहीं है, वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, ह्यूमन नीड फूड एंड स्लीप, इंसानों को खाना और सोना ये बहुत जरूरी है। अगर इंसान लगातार काम करते रहे तो आराम ना करे, सोए नहीं, तो वो थक जाता है और वो वर्क अच्छे से नहीं कर पाता है और उसको खाने की भी जरूरत होती है बीच में, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर क्या है, लगातार बहुत देर तक काम कर सकता है, उसको सोने की भी जरूरत नहीं है और खाने की भी जरूरत नहीं है, उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी, उसको चलाने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ठीक है, द नेक्स्ट है ह्यूमन कैन डू मिस्टेक्स, इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है। मान लीजिए आप कुछ बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं तो गलत बन जाता है तो आप मिटा देते हैं, या कुछ लिखते हैं तो गलती हो जाता है तो मिस्टेक,
लेकिन आप बहुत ध्यान से भी बनाते हो तो कभी कभी इसमें मिस्टेक, मान लीजिए छोटे बच्चे या बड़े लोग कभी कभी कोई सवाल गलत करते हैं और जोड़ घटाने में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, नेचुरल है। लेकिन कंप्यूटर ये मिस्टेक नहीं करता है, ह्यूमन कैन डू मिस्टेक डज नॉट गिव रॉन्ग रिजल्ट, लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलत आंसर नहीं देता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है ह्यूमन वन थिंग एट अ टाइम, एक इंसान जो होता है वो एक समय में सिर्फ एक ही काम करता है, लेकिन जो मशीन होती है कंप्यूटर होती है ये मैनी थिंग्स एट अ टाइम, बहुत सारी चीजें एक समय में कर सकता है, इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है। अब सिक्स नंबर है ओन डिसीजन, इंसान जो है अगर उसको कुछ करना है कहीं घूमने जाना है तो वो अपना डिसीजन लेता है कि आज हमको घूमने जाना है, आज हमको ये करना है वो करना है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है, कंप्यूटर सोचेगा आज हमको ये करना है तो वो थिंक नहीं कर सकता है, उसको ऑर्डर देना पड़ता है, इसलिए इंसान अगर बोलेगा कि आज हमको कंप्यूटर ये करना है और वो उसको ऑर्डर देगा तो उसको उसी समय करना पड़ेगा। आप आधा रात में उनको बोलिएगा कंप्यूटर को ऑन कर दीजिएगा तो कंप्यूटर को काम करना पड़ेगा, ऐसा बात है, लेकिन ओन डिसीजन वो नहीं ले सकता है, अपना डिसीजन नहीं ले सकता है, लेकिन कंप्यूटर हम लोग अपना ह्यूमन जो है वो ओन डिसीजन अपना निर्णय खुद लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर अपना निर्णय नहीं ले पाता, ऑलवेज नीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ह्यूमन, उसको हमेशा आदमी इंस्ट्रक्ट करता है, डायरेक्शन देता है कि आप ऐसा कीजिए, कमांड देता है तब वो काम करता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, कंप्यूटर तो कंप्यूटर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके मैंने इस चैप्टर में सिर्फ चार तरह के टाइप्स बताए गए हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कितने तरीके का तो आप फोर टाइप्स लिखेंगे, ऐसे होता है डिफरेंट टाइप्स, लेकिन आपके चैप्टर में फोर टाइप्स है तो आप दिमाग में रखिए कि फोर टाइप्स के कंप्यूटर आपको पढ़ाया गया है, तो आपको पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो फोर टाइप्स आप आंसर देंगे, ओके। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत अलग 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 तरीके के होते हैं, यहाँ पे फोर टाइप का दिया है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, इसको हम क्लियरिफाई कर देते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है कैप्ट इजीली ऑन ए डेस्क, इसमें देखिए एक वर्ड छिपा है डेस्क, डेस्क टॉप कंप्यूटर, तो डेस्क का मतलब हो गया बेंच या टेबल या डेस्क, ठीक है, जिसके ऊपर टॉप माने टेबल के ऊपर लगने वाला कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, कैप्ट इजीली ऑन ए डेस्क, इसको आसानी से किसी भी टेबल पर लगाया जा सकता है, बिगिन साइज, ये साइज में बड़ा होता है छोटा नहीं होता है, कैन नॉट बी कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जाया जा सकता है, मुश्किल होता है इसको ले जाने में, आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट लैपटॉप, लैपटॉप आपने सुना ही होगा कि ज्यादातर बहुत लोग स्टूडेंट्स लोग के पास लैपटॉप होता है, वो क्या करते हैं लैपटॉप इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और ये ऐसे फोल्ड करके बैग के अंदर ले जाते हैं और स्टडी करते हैं, ठीक है, हायर स्टडी में लैपटॉप का यूज होता है इंजीनियरिंग वगैरह में। तो स्मॉल कंप्यूटर, ये बहुत ही छोटा कंप्यूटर, छोटा का मतलब ऐसे नहीं कि इतना छोटा, इतना बड़ा होता है जो कि आपके बैग में आ सके, स्मॉल कंप्यूटर इजीली बी कैप्ट ऑन आवर लैप, उसको आसानी से हम अपनी गोदी में रख सकते, इतना भारी नहीं होता कि गोदी में नहीं रखा जा सके, कैरी इजीली, और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होता है, उसको कोई भी बैग में हम डाल के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पाम टॉप, वेरी स्मॉल कंप्यूटर, ये बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है, पाम का मतलब होता है ये हमारे हाथों की हथेली, तो पाम टॉप का मतलब हो गया कि हथेली में रखने वाला, मतलब कंप्यूटर का जो साइज है पाम टॉप का जो साइज होता है वो हमारी हथेली के बराबर लगभग होता है, हम आसानी से हथेली में उसको पकड़ सकते हैं। वेरी स्मॉल कंप्यूटर, ये बहुत ही छोटा कंप्यूटर, फिट इन टू द पाम ऑफ आवर हैंड, ये हमारे हाथों की हथेली पर फिट हो जाता है, कैरी अराउंड इन आवर पॉकेट ऑल्सो, इसको हम अपने पॉकेट में भी, इतना छोटा होता है कि हम अपनी पॉकेट में डाल के भी कहीं ले जा सकते हैं, ओके। देन लास्ट है टैबलेट, बहुत बच्चे जानते हैं टैबलेट, लेकिन कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे, ये स्लेट की तरह, मतलब मोबाइल से थोड़ा बड़ा और कंप्यूटर से थोड़ा छोटा, लैपटॉप से छोटा, तो उसको कहते हैं टैबलेट, इसको न्यू जनरेशन कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यू जनरेशन कंप्यूटर। व्हाइट टच स्क्रीन, इसका जो स्क्रीन होता है वो बड़ा होता है, व्हाइट टच स्क्रीन होता है, छू के स्क्रीन को ये किया जाता है, लुक लाइक स्लेट, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये आपने बच्चे ने देखा होगा स्लेट, स्लेट की तरह इसका लगभग लुक होता है, यानी ये स्लेट की तरह भी दिखता है।
इसको अगर हम बोलेंगे कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो स्लेट की तरह दिखता है, तो आपको टैबलेट का नाम देना होगा। फीचर्स ऑफ लैपटॉप एंड मोबाइल, और उसके अंदर जो वर्क होते हैं, काम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो लैपटॉप और लगभग मोबाइल की तरह मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ ए कंप्यूटर आपको बताया गया है। तो स्विच ऑन एंड ऑफ आपको अभी तक प्रैक्टिकल में नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ स्टेप होते हैं जो चीज आप समझ लीजिए, अगर समझ जाएंगे तो वो इजी वे में आप कर सकेंगे। तो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, तो ऑन करने के लिए हम सबसे पहले कितने स्टेप होते हैं, ऑन और ऑफ करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको करना पड़ता है। तो स्विच ऑन करने के लिए तो हम देखेंगे स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, स्विच ऑन एंड ऑफ। तो स्विच ऑन करने के कितने स्टेप होते हैं, ये स्टेप 1, 2, 3, 4 ये ऑन करने के लिए, ठीक है, और ऑफ करने के लिए आपका हो जाएगा 2 स्टेप 1 एंड 2। ओके, तो आपको पूछा जाएगा स्विच ऑन करने के कितने स्टेप है, तो 4 स्टेप। हाउ मेनी स्टेप वी यूज द कंप्यूटर स्टार्ट, तो हम बताएंगे कि 4 स्टेप। ओके, तो ये दिमाग में रखिएगा 4 स्टेप होते हैं। तो पहला क्या है, स्विच ऑन द पावर सप्लाई। तो सबसे पहले हम स्विच ऑन द पावर सप्लाई, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। पावर सप्लाई मतलब हम किसी बोर्ड में पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, स्विच ऑन यूपीएस, फिर यूपीएस में हम यूपीएस को ऑन करेंगे। देन प्रेस द पावर सप्लाई बटन बाय सीपीयू, इसके बाद हम सीपीयू को स्टार्ट करेंगे। प्रेस द पावर सप्लाई बटन ऑफ सीपीयू, स्विच ऑन द मॉनिटर, और देन लास्ट हम मॉनिटर को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, जहां से हम बिजली का कनेक्शन होता है बोर्ड से, उसको हम ऑन करेंगे। देन यूपीएस में हम बटन स्विच करेंगे। देन सीपीयू, फिर सीपीयू को स्टार्ट करेंगे, और देन लास्ट में हम मॉनिटर में जो स्विच दिया होता है, बटन दिया होता है, उसको ऑन करेंगे। तो क्या होगा, स्क्रीन जो है उसमें डिस्प्ले अपीयर हो जाएगा और आपको सब चीज दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके कितने स्टेप होंगे, 4 स्टेप। पहले पावर सप्लाई, फिर यूपीएस में स्विच देंगे, फिर सीपीयू में देंगे, फिर मॉनिटर में देंगे। तो ये 4 पॉइंट आपके हो गए। देन शटिंग डाउन, अब यहाँ पे आते हैं ऑफ में, जब हमको ऑफ करना है, या फिर इसको हम शटिंग डाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शटिंग डाउन, या तो स्विच ऑफ बोलते हैं या फिर शटिंग डाउन बोलते हैं, तो दोनों सेम चीज है। तो शटिंग डाउन में क्या होता है, 2 स्टेप होते हैं, इसमें 4 थे, इसमें 2 स्टेप है, कितने स्टेप है, 2 स्टेप। कैसे, अब यहां हम आपको एक फिगर दिखाते हैं। देखिए, जब हमारा विंडो खुला रहता है तो नीचे एकदम नीचे पोर्शन में ऐसे से आइकॉन बना होता है, बहुत सारे आइकॉन बने होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके इस तरीके का कुछ आइकॉन रहता है, ठीक है, फर्स्ट आइकॉन। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो आइकॉन बना हुआ है ये स्टार्ट बटन है। ये क्या है, स्टार्ट बटन, ठीक है, ये हो गया स्टार्ट बटन। तो हम जब शटिंग डाउन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, तो हम इसमें जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो स्टार्ट बटन है, जो कि इसके बाद ये स्टेप होने के बाद यहाँ पे एक ऐसे खुल जाएगा जो कि होता है शट डाउन। यहाँ पे लिखा रहेगा शट डाउन, और यहाँ पे एरो जैसा ऐसा कुछ बना रहता है, शट डाउन रहता है। और जब हम स्टेप 2 में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कंप्यूटर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस जब डाउन हो जाएगा तो फिर हम इसको फिर सीपीयू को मॉनिटर को ऑफ करेंगे। देन इसके साथ उल्टा हो जाता है, ठीक है, पहले मॉनिटर यहाँ जब शट डाउन हो जाएगा तो हम मॉनिटर को बंद करेंगे, फिर सीपीयू को, फिर यूपीएस को, फिर लास्ट में पावर सप्लाई को।
स्टेप टू क्या हो जाता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज आपका है स्टेप वन एंड स्टेप टू की। स्टार्ट बटन पे पहले जाएंगे क्लिक करेंगे, देन शट डाउन पे जाएंगे क्लिक करेंगे और कंप्यूटर बंद हो जाएगा। उसके बाद हम जो है मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस और पावर सप्लाई को ऑफ करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके थैंक यू, नेक्स्ट वीक में हम दूसरा चैप्टर करवाएंगे। बाय।